हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जिस टाइम में देखिए आपको वेलकम। एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है फिजिक्स का। और क्वेश्चन यह है कि 1000 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक का विभव जो है वो है 20 वोल्ट है। 1000 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक का विभव कितना है, 20 वोल्ट है, और मिलकर सभी बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद का विभव क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे कोई भी अगर हमें त्रुटि है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू। और ये सवाल को मैं बताना चाहता हूँ, ये सवाल जो है बहुत ही इजी सवाल है, और इसे हम बताते हैं। जैसे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बड़े बूंद का विभव, बड़े बूंद का विभव का फॉर्मूला होता है n का पावर 2/3 गुना छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, बड़े बूंद का विभव बराबर n का पावर 2/3 गुना छोटे बूंद का विभव। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, ये सवाल आप एक लाइन में बना सकते हैं। और अगर 1000 रहेगा तो n की जगह 1000 देंगे, 64 रहेगा तो n की जगह 64 देंगे। ये विभव निकालने फॉर्मूला होता है। इससे पहले हम धारिता निकालने बताए थे, उसमें एन का पावर 1/3 बताए थे, एन का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद है। अगर हमको बड़े बूंद की धारिता निकालना रहेगा बच्चों, तो एन का पावर क्या होगा, 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। तो अगर हमको विभव निकालना रहेगा 2/3 और धारिता रहेगा तो 1/3। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रिक है। तो बड़े बूंद का विभव, इसलिए हमको विभव अगर बड़े बूंद का निकालना है बच्चों, बड़े बूंद का विभव n कितना है, 1000 होल पावर 2/3 गुना छोटे बूंद का विभव, छोटे बूंद का विभव है 20 वोल्ट। 1000 मतलब हुआ 10^3 होल पावर 2/3 गुना में 20 वोल्ट। 3 कट गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 गुना में 20 यानी 2000 वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जितने भी कमीशन में है उसमें पूछता है, और आपको 2022 में एग्जाम फाइनल में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम, अगर आप लोग का प्यार बना रहेगा तो इसी प्रकार से हम वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।